नमस्कार, वेलकम टू लेट्स कुक अप। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड है। लास्ट ईयर मैंने ट्राई कलर इडली बनाया था, ये साल भी मैं ट्राई कलर का ही थीम यूज करने वाला हूँ। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट आप भी अपने घर पे ये डिश बना सके। तो चलो आज हम बनाते हैं ट्राई कलर ढोकला। ट्राई कलर ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप रवा लिया है। ट्राई कलर में जो कलर है ग्रीन और ऑरेंज, ये कलर आने के लिए मैंने यहाँ पे आधा जूड़ी पालक लिया है, 3 गाजर, 1 कप रवा लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे आधा कप दही लिया है। ये जो दही मैंने यूज़ कर रहा हूँ ये कम खट्टा वाला है, 3 पैकेट इनो और पानी। ढोकला का मेन फ्लेवर आता है तड़के से, एंड मैंने यहाँ पे तड़का बनाने के लिए लिया है 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, 1 चम्मच राई, थोड़ा सा हींग, 2 से 3 हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड और थोड़ा सा करी पत्ता। साथ में मैंने लिया है नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा चीनी। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल और थोड़ा सा धनिया लिया है। तो चलो बनाते हैं ट्राई कलर ढोकला। ढोकला बनाने का पहला स्टेप ये है कि हमें रवा और दही को एक बोल में मिक्स करके रखना है। रवा और दही का जो मिक्सचर है इसको हमें मिनिमम आधे घंटे तक साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें हम ऐड करते हैं 1 कप रवा। जैसे मैंने आपको बताया 1 कप रवा के लिए आधा कप दही, दही कम खट्टा वाला यूज़ करना चाहिए। इसमें हम ऐड करते थोड़ा सा नमक। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हैं। अब आपको डाउट ये होता होगा कि पानी कितना ऐड करना है, बस इतना ध्यान देना है कि आपको एक सेमी थिक कंसिस्टेंसी का मिक्सचर बनाना है। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने एक सेमी थिक कंसिस्टेंसी का मिक्सचर बना लिया है। अब इस मिक्सचर को हम अराउंड आधे घंटे तक साइड में निकाल के रख लेते हैं। आधे घंटे तक हम इसलिए निकाल के रख रहे हैं ताकि जो दही है ये रवा में अच्छे से सोख हो जाए। तो हमारा सेकेंड स्टेप ये है कि हमें पालक और गाजर को ब्लांच करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में थोड़ा पानी लिया है। पानी में अच्छा सा उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पालक। पालक ऐड करने से पहले हमें इसको अराउंड 3 से 4 बार अच्छे से पानी में साफ करना है। तो जैसे आप देख सकते हो पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले से ही साफ किया हुआ पालक, ये अराउंड आधा जूड़ी पालक है। इस पालक को हम सिर्फ 3 मिनट तक ब्लांच करेंगे। पालक का कलर रिटेन होने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी। तो अराउंड 3 से 4 मिनट हो गया है, अब हमने फ्लेम बंद कर लिया है और इसको हम स्ट्रेन करेंगे। ये स्ट्रेन किया हुआ पालक को हम ट्रांसफर कर लेते हैं आइस वाटर में। आइस वाटर में हम इसलिए डालते हैं ताकि जो इसका कलर है ये रिटेन रहे। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने ब्लांच किया हुआ पालक को आइस वाटर में ट्रांसफ़र कर लिया है। आइस वाटर में हम इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो इसका कलर है ये रिटेन रहे। तो पहले हमने ऐड किया था चीनी और अब हमने ट्रांसफ़र किया है आइस वाटर में,
ये दोनों का काम एक ही है ताकि इसका जो कलर है ये रिटेन रहे। अब हम इसको 5 मिनट के बाद मिक्सर में ऐड करेंगे और एक फाइन प्यूरी बनाते हैं। पालक को जिस तरह हमने ब्लांच किया था उसी तरह हम गाजर को भी ब्लांच करेंगे, तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक नया बर्तन लिया है, पानी भी ऐड कर लिया है। पानी बॉयल होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गाजर और थोड़ा सा चीनी। मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ, हम आइस वाटर में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो इसका कलर है ये रिटेन रहे। अब हम इसको 5 मिनट के बाद एक मिक्सर में ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके फाइन प्यूरी बनाएंगे। तो पालक को हमने अराउंड 5 मिनट तक आइस के पानी में रखा था। अब हम इसको अच्छे से स्क्वीज करके इसका जो एक्सेस पानी है ये निकाल देंगे और फिर मिक्सर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें 2 स्पून पानी ऐड करके एक फाइन प्यूरी बना लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने पालक का एक फाइन प्यूरी बना लिया है। मैंने अराउंड 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया था ये प्यूरी बनाने के लिए। इसी तरह मैं गाजर का भी प्यूरी बना के रख लेता हूँ। तो हमने गाजर का भी प्यूरी बना लिया है, इसमें भी मैंने अराउंड 3 से 4 चम्मच पानी ऐड किया है प्यूरी बनाने के लिए। आपको अगर इतना मेहनत नहीं करना है तो आप आर्टिफिशियल कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पालक और गाजर यूज़ करके ये ट्राई कलर ढोकला बनाएं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। तो अराउंड आधा घंटा हो गया है, जो दही और रवा हमने साइड में निकाल के रखा था ये अच्छे से सोख हो गया है और थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है। अब हम इसमें वापस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने सेमी थिक कंसिस्टेंसी का एक बैटर बना लिया है ढोकला का। अब हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने दही और रवा का जो बैटर है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम एक में ऐड करेंगे गाजर का प्यूरी और एक में ऐड करेंगे पालक का प्यूरी। प्यूरी ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम ये जो व्हाइट कलर का बैटर है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके विस्क कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा ट्राई कलर ढोकला का तीनों कलर रेडी हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इस ढोकला को स्टीम करना है। जिस बर्तन में आप ढोकला बनाओगे उस बर्तन को हम थोड़ा सा ऑयल से ब्रश कर लेते हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ढोकला है ये चिपके ना। तो मैंने साइड में एक कुकर भी निकाल के रख लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और एक स्टैंड भी रखा है। पानी बॉयल होने के बाद हम एक एक करके जो ढोकला का बैटर है इसको कुक करेंगे। तो सबसे पहले हम कुक करने वाले हैं हमारा ऑरेंज कलर का बैटर। तो इस ऑरेंज कलर के बैटर में हम ऐड करेंगे 1 पैकेट इनो। इसको अच्छे से हमें फोल्ड करना है। जैसे आप देख सकते हो बैटर अच्छे से फूग रहा है। जैसे आप देख सकते हो इनो का अच्छा खासा इफेक्ट आ रहा है, जो बैटर है ये फूग रहा है। अब इस बैटर को हम इस बेस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमने ऑरेंज कलर के बैटर को इस बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट तक कुकर में कुक कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें हमारा ऑरेंज कलर का जो बैटर है ये रख लेते हैं। अब हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो गया है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हमारा व्हाइट कलर का बैटर। तो हमारा ऑरेंज कलर का जो बैटर है
ये आधा सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हमारा व्हाइट कलर का बैटर। आपको समझ आ ही गया होगा कि हम इसको 5-5 मिनट क्यों कुक कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ट्राई कलर का इफेक्ट है, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन कलर, ये दिखे। तो अब हमारा ऑरेंज कलर तो हाफ कुक हो गया है, अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हमारा व्हाइट कलर का बैटर। तो अब हम वापस इस ढोकले को 5 मिनट तक कुक कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट कलर है ट्राई कलर में। तो अब हम ये ओवरऑल ढोकला को अराउंड 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में कुक कर लेते हैं। तो अराउंड 10 मिनट हो गया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। टूथपिक इंसर्ट करके हम देख लेते हैं कि ढोकला कुक हुआ है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हो टूथपिक क्लीन निकला है, इसका मतलब ये है कि ढोकला अच्छे से कुक हो गया है। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा ढोकला रेडी हो गया है। अब हम इसको अराउंड 5 से 10 मिनट तक साइड में निकाल के रख लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो जाता है हम नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं, जो है ढोकला का तड़का। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ढोकला का तड़का बनाएं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। तो हमने 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच राई। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम ऐड करते हैं 1 चम्मच राई। तो राई फूट गया है, अब हम ऐड करते हैं 2 से 3 हरी मिर्च फाइनली चॉप। अब ऐड करते हैं करी पत्ता थोड़ा सा। अब हम फ्लेम बंद कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर ऐड करते हैं हींग, थोड़ा सा हींग, ये आधा चम्मच से कम हींग है। तो हमारा तड़का रेडी हो गया है, अब हम इसको ढोकला के ऊपर सर्व कर लेते हैं। तो हमारा ट्राई कलर ढोकला रेडी हो गया है। इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हमारा पहले से ही बनाया हुआ तड़का। अब हम गार्निश के लिए इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा नारियल और धनिया। काफी सिंपल है। अगर आपके पास आर्टिफिशियल कलर है तो आप यूज कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नेचुरल कलर यूज करें, जिसके लिए मैंने आज पालक और गाजर यूज किया है। आप लोग भी अपने घर पे ये इजी ढोकला जरूर ट्राई कीजिए, एंड आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कैसा लगा आपको ढोकला? काफी सिंपल है, बस मैंने ट्राई कलर का थीम दिया है। आप लोग भी अपने घर पे इसको जरूर ट्राई कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेट्स कुक अप की तरफ से आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अंटिल देन टाटा।